अब सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी तो किसानों को MSP की कानूनी गारंटी क्यों नहीं दे रही? झूठ, छल, कपट और धोखा क्यों कर रही है किसानों को? किसान देश की नस्ल और अपनी फसल बचाने के लिए सड़क पर बैठा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी आतताइयों की पार्टी की तरीके से इस सरकार में जनरल डायर सा काम कर रही है। किसान देश की नस्ल और अपनी फसल बचाने के लिए सड़क पर बैठा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी आतताइयों की पार्टी की तरीके से इस सरकार में जनरल डायर सा काम कर रही है। किसानों की मांग क्या है? MSP की कानूनी गारंटी, जो भारतीय जनता पार्टी पहले से कहती थी। अब सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी तो किसानों को MSP की कानूनी गारंटी क्यों नहीं दे रही? झूठ, छल, कपट और धोखा क्यों कर रही है किसानों के साथ? किसान के आंदोलन में कांग्रेस पार्टी और इंडिया ब्लॉक पूरी तरीके से किसानों के साथ में है और सरकार आते ही MSP की कानूनी गारंटी किसान भाइयों को मिलेगी। इसके साथ ही दिल्ली सरकार का बजट जो है, ये बताया जा रहा है कि वो राम राज्य पर आधारित होगा। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली सरकार का वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट जो सोमवार को विधानसभा में पेश किया जाएगा, राम राज्य पर आधारित होने की संभावना। देखिए, जन कल्याणकारी बजट की अवधारणा अगर जन कल्याणकारी है और राम राज्य पर आधारित है तो अच्छी बात है, बजट आने दीजिए और बजट कैसा आएगा उस पर हम उचित बात करेंगे। बजट गरीबों के लिए होना चाहिए, विकासोन्मुखी होना चाहिए, बेरोजगारी को दूर करने वाला होना चाहिए। बजट में भारतीय जनता पार्टी की तरीके से जुमलेबाजियां नहीं होनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की तरीके से बेरोजगार बढ़ाने वाला नहीं होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के बजट की तरीके से क्रॉनी कैपिटलिस्टों का साथ देने वाला नहीं होना चाहिए। देखिए, तो प्रज्ञा ठाकुर और नरेंद्र मोदी जी जाने, लेकिन ये बात अपने आप में सच है कि भारतीय राजनीति को प्रज्ञा ठाकुर के जो अपशब्द हैं, जितना उसने नुकसान किया है उतना शायद किसी ने ही किया हो। अब भारतीय जनता पार्टी को फैसला करना है कि उनके पिछले 5 साल के कार्यकाल का पश्चाताप कैसे करती है। खाली टिकट काट देना कोई सजा नहीं है। जिस तरीके का उन्होंने सामाजिक वैमनस्य और सांप्रदायिकता बढ़ाई है, उसके लिए तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए।